सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की बात उठी तो सुषमा स्वराज की बेटी ने बंगाल का मामला सामने लाके खड़ा कर दिया। अब हुआ कुछ यूं कि सुनवाई के दौरान एक आवेदक की तरफ से भाजपा की दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 9000 से अधिक मामले सामने आए हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि अदालत मणिपुर में जिस तरीके से मामले की जांच करना चाहती है ठीक उसी तरीके से जांच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल में भी होनी चाहिए, यहां इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। अब बांसुरी स्वराज की इस बात को सुनकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ उसे हम ये कहकर उचित नहीं ठहरा सकते कि ऐसा कहीं और भी हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम एक ऐसी चीज से निपट रहे हैं जो कि अभूतपूर्व प्रकृति की है। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंसा सांप्रदायिक भी है और विभिन्न संप्रदायों के बीच भेदभाव, घृणा और पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी है। हालांकि सीजे ने आगे चल के बांसुरी की मांग को दरकिनार कर दिया, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें जो मणिपुर की हिंसा का मामला है उस हिंसा के मामले की सुनवाई सीजे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।